फ्रेंड्स, आज मैं बेसन का भुजिया बनाने जा रही हूँ, जो बेसन का सेव भी बोलते हैं इसे। तो मैं तीन तरह का बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं दो बॉल में एक एक कटोरी निकाल ली हूँ। ये एक कटोरी आपको दिखा रही हूँ कि एक कटोरी मैं इसमें ले रही हूँ और इसको छान लेती हूँ, जिससे इसमें कुछ रहे तो निकल जाएगा। आप मेरा वीडियो पूरा देखिए तो आपको सारे एक एक करके मैं समझाती जाऊँगी। बिल्कुल ही ईजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। मैं तीन एक तरह का ही एक, क्योंकि सारे तीनों सेव भुजिया ही है, इसलिए आपको जो इच्छा है कभी भी आप बना सकती हैं। ये मैं छान लेती हूँ सारे बेसन को। तो ये बेसन छान के एक कटोरी रखी हूँ, इसमें भी और इसमें छान लेती हूँ अभी। ये छन गया है, इसे मैं अभी हटा देती हूँ, इसे भी साइड कर देती हूँ। अभी मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद के हिसाब से। इसमें 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और उसमें अभी मैं कोई तेल ऐड नहीं कर रही हूँ ना, बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसे पानी से गूंद लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, क्योंकि इसका एक डो तैयार करना है। इस तरह से मैं इसके डो तैयार कर लेती हूँ। ये डो देखिए मेरा तैयार हो गया है। अभी मैं इसमें बस थोड़ा सा 1/2 टीस्पून तेल डाल के इसको थोड़ा मिला लेती हूँ। ये मैं सेव का नमकीन बनाने जा रही हूँ। एक तरह का मिक्सचर है जो आप घर में आप बना के स्टोर करके रख सकती हैं, और ये महीनों दिन तक चलेगा। बहुत ही ईजी भी है और बच्चे बड़े, मतलब बच्चे भी, ये इसमें कुछ मिर्ची नहीं डाली हूँ तो बच्चे भी आराम से खा सकते हैं इसे। ये डो हमारा तैयार हो गया है, ये मैं गूंद के रख ली हूँ। अब मैं, ये हमारा सिंपल सेव भुजिया तैयार होगा, जिसके मैं नमकीन बनाऊंगी इसमें मिक्स करके। और भी मैं आलू भुजिया बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैं आलू को, दो आलू ली हूँ। इसको इस तरह से कद्दूकस कर लेती हूँ। बिल्कुल आलू गर्म नहीं है, बॉयल करके ठंडा कर चुकी हूँ इसे। इसको मैं इस तरह से सारे कद्दूकस कर लेती हूँ। आलू मैं कद्दूकस कर ली हूँ। अब इसमें मैं, इस बेसन में मैगी मसाला डालूंगी। मैगी मसाला को थोड़ा छान लेती हूँ, जिसके कारण क्या है ना कि इसमें चीनी होता है वो निकल जाए, नहीं तो वो मिक्सचर वाली जो मशीन होती है ना उसमें फंसेगा ये, इसलिए मैं छान ली हूँ। अब इसमें थोड़ा, बस थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे। ये मैगी का फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए मैगी मसाला मैं यूज कर रही हूँ। और अगर मैगी मसाला ना हो तो आप घर में जो आमचूर पाउडर और नमक, काला नमक, ये सब डाल करके आप गूंद सकती हैं। इसमें मैं धीरे धीरे आलू मिक्स करके इसका भी एक डो तैयार करूंगी। अभी ये बेसन गूंद गया है, और जिसमें देखिए दो आलू मैं मीडियम साइज कर ली थी, जिसमें थोड़ा सा ये बच गया है और इसको मैं हटा, क्योंकि एक कटोरी बेसन ली थी। अभी इसमें मैं 1/2 चम्मच के लगभग तेल डाल देती हूँ। तेल डाल के फिर इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। ये भी बेसन आलू भुजिया के लिए तैयार हो गया है। अभी मैं इसको करूँगी, अभी मैं इसका रतलामी से बनाऊंगी, जिसमें इसमें थोड़े मसाले लगेंगे पर ये सारे घर के हैं। अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ अपने स्वाद के हिसाब से, 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, थोड़ा अजवाइन 1/2 टीस्पून के लगभग, और लौंग का पाउडर है, ये भी चुटकी भर लौंग का पाउडर, और थोड़ा सा इसमें
मैं जीरा डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा तीखापन होता है, इसलिए काली मिर्च इसके ऊपर से और भी मैं ऐड कर रही हूँ। अभी इसमें मिर्ची पाउडर डालो, हाफ टी स्पून ये लाल मिर्च पाउडर है, इसमें मैं एक चम्मच रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। अभी मैं इसको सब मिक्स करके इसका एक डो तैयार करूँगी। अभी इसके मैं डो तैयार कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंदूंगी। इसको इसी तरह से मैं वैसे ही डो तैयार कर लूँगी। ये तीनों डो हमारा तैयार हो गया है बेसन का। एक सिंपल बेसन का मैं मिक्सचर बना रही हूँ, एक आलू भुजिया है, ये रतलामी सेव है, रतलाम का फेमस है ये रतलामी सेव। अभी मैं ये मिक्सचर वाली मशीन ली हूँ बनाने वाली, जिसमें मैं तेल से थोड़ा इसमें ब्रश कर देती हूँ, जिससे क्या है कि इसमें बेसन चिपके नहीं। अभी मैं तलने की तैयारी करूँगी। इसमें मैं नॉर्मल जो पहले गूंदी थी इसको मैं इसमें डाल लेती हूँ। अभी इसे भर दी हूँ। ये कढ़ाई में तेल हमारा गर्म हो गया है। अभी मैं इसे इस तरह से इसको अभी मैं फुल फ्लेम ही रखी हूँ, पलट देती हूँ। ये हमारा बेसन का नमकीन मिक्सचर तैयार हो रहा है, नमकीन। ये तैयार हो गया है, बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। मैं फुल फ्लेम पे ही तल रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे तल लेती हूँ। सिंपल जो नमकीन बना रही थी उसको मैं तल के रख ली हूँ। अभी मैं आलू भुजिया के लिए कर रही हूँ, तो फ्लेम मैं कम करती हूँ और इसको कम फ्लेम पे ही तलूंगी, क्योंकि आलू है इसमें। इस तरह से सारे मैं तलूंगी कम फ्लेम पे। ये आलू भुजिया कर रही हूँ। आलू भुजिया को आप स्लो मीडियम पे कीजिएगा, क्योंकि इसमें आलू की नमी होती है ना, तो फुल हीट पे नहीं करें। वो सारे सेव मैंने तल के रख दिए हैं, आलू भुजिया और ये प्लेन नमकीन। अभी मैं ये रतलामी सेव तल रही हूँ, जिसके लिए अगर मान लीजिए कि किसी के पास मशीन ना हो तो भी वो इस तरह से जैसे कद्दूकस होता है इस तरह से करके इसको घर में भी बना सकती हैं, पर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और सावधानी से कि हाथ ना कटे। इस तरह से करके भी आप नमकीन घर में बना सकती हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नमक इसमें अपने हिसाब से दें, और ये स्लो मीडियम पे तलाएगा, क्योंकि ये थोड़े मोटे मोटे हैं, स्लो मीडियम पे। जो सिंपल जो सेव बनाई वो फुल फ्लेम पे की थी, और आलू भुजिया भी स्लो मीडियम फ्लेम पे की थी। बस इसको इसी तरह से मैं सारे तल लूँगी। अभी डाली हूँ इसमें तो थोड़ा फुल फ्लेम की, अभी इसको मैं बिल्कुल स्लो मीडियम कर दूंगी। ये देखिए अभी इसी तरह से तल लूंगी। अभी मैं मूंगफली तलूंगी, मूंगफली तल के निकाल लूँगी। उसके बाद ये मक्के का पोहा है, इसको तलूँगी। अगर आपके पास मक्के का पोहा ना हो तो घर में जो पोहा होता है ना, जिसको चूड़ा भी बोलते हैं, उसको भी आप तल करके वो नमकीन में डाल सकती हैं। बस हो गया। ये
आलू भुजिया देखिए कितना क्रिस्पी बना है, इसमें कोई बेकिंग सोडा नहीं है। इसको इस तरह से देखिए, ये मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ। इसमें जब डो बना रही थी, गूंद रही थी, तभी भी डाली हूँ, ऊपर से भी डाल देती हूँ क्योंकि ये बच्चे का फेवरेट है, तो इसलिए मैगी मसाला डाल रही हूँ। अगर मैगी मसाला ना हो तो आप चाट मसाला, आमचूर पाउडर, काला नमक ये सब यूज कर सकती हैं। अगर नमक कम लगे तो ऊपर से आप काला नमक डाल सकती हैं। ये हो गया है, इसे मिक्स कर दी। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है सेव का। इसमें मूंगफली, मक्के का पोहा या नॉर्मल पोहा भी डाल सकते हैं। अगर आप इसमें काजू बादाम भी डालना चाहते हैं तो काजू और किशमिश डालिए और मखाने इसमें ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ इसमें डाल करके मैं सिंपल ही बना रही हूँ। इसमें चाट मसाला ऐड करती हूँ, काला नमक, बस हल्का इसको डाल के मिक्स कर देती हूँ। ये रतलामी सेब में कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी है, क्योंकि इसमें गरम मसाला, काली मिर्च बहुत मात्रा में है, तो ये ऐसे ही बहुत स्पाइसी है, इसमें कुछ मत डाल देंगे, कुछ नहीं डालेंगे। अब मैं इसको आप बॉल में, जार में भर के रख सकती हैं, ये महीनों दो महीना तक ये ख़राब नहीं होता है। ये देखिए हमारा घर के ही आइटम से तीन तरह का नमकीन तैयार हो गया है। और ये जो अगर जो रतलामी भुजिया जो अगर हम बनाए हैं तो जो मशीन में ये डाले हैं ना, तो उसके लिए ये जाली चेंज कर लीजिएगा क्योंकि उसमें मसाले रहने के कारण बारीक से नहीं निकलेंगे, तो ये बड़े होल वाले इससे बना लीजिएगा। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जो बेल का बटन है ना उसे भी क्लिक करें, जिससे आपका हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत ही आ जाएगा।